अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवाद बस्की और आप देख रहे हैं जवाब की दुनिया। सिक्योरिटी जॉब्स के हवाले से आपको काफी ज्यादा वीडियोस चैनल में मिल जाएंगी, लाइक सिक्योरिटी जॉब होती क्या है, आप ऐसे लेसन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस किस्म की साइट्स होती हैं। तो आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो भी सिक्योरिटी जॉब से ही रिलेटेड है, क्योंकि आज की वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप सीसीटीवी लाइसेंस कैसे हासिल कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, सीसीटीवी लाइसेंस हासिल करने के बाद आपके पास किस किस्म की अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। मोस्ट इंपोर्टेंटली मैं आपको बकायदा लैपटॉप की स्क्रीन पर जाकर दिखाने वाला हूँ कि आप खुद सीसीटीवी लाइसेंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सीसीटीवी लाइसेंस आपके पास होना कितना जरूरी है। यहाँ पे तकरीबन 90% लोगों के पास सीसीटीवी लाइसेंस नहीं है, और यहाँ पे जो मोस्टली जो लोग होते हैं से डोर सुपरवाइजर की जॉब को ही प्रेफर कर रहे होते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास ऐसे डोर सुपरवाइजर का लाइसेंस है, आप सीसीटीवी लाइसेंस भी जरूर बनवाएं। अगर हम इन दोनों जॉब्स को कंपेयर करें, सीसीटीवी जॉब या फिर डोर सुपरवाइजर वाली जॉब को कंपेयर करें, तो इसमें जो सीसीटीवी जॉब है वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है एज कम्पेयर टू डोर सुपरवाइजर के, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी सिक्योरिटी कंपनीज है उनको अपने कंट्रोल रूम में सीसीटीवी लाइसेंस होल्डर चाहिए होते हैं। उसमें करना कुछ भी नहीं होता है, आपने सिर्फ बैठ के मुख्तलिफ कैमरास को मॉनिटर करना होता है। जहां भी कैमरास के इन्वॉल्वमेंट होंगे इसका मतलब है कि वहां पे उनको सीसीटीवी लाइसेंस होल्डर चाहिए होगा। अगर हम पेरियड की बात करें तो डोर सुपरवाइजर में अगर आपको 14 से 15 पाउंड पे किया जा रहा है, अगर आपके पास सीसीटीवी लाइसेंस है तो आपको मिनिमम 18 पाउंड से लेकर 20 पाउंड तक इजीली पे किया जाएगा। तो इन शॉर्ट जितनी ज्यादा स्किल्स आपके पास होंगी उतनी ज्यादा आपके पास जॉब के मौके होंगे, आप उतनी अच्छी अर्निंग कर सकेंगे। मैं आप लोगों को ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद आप सीसीटीवी लाइसेंस जरूर बनवाएं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की, कि अगर आप सीसीटीवी लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले आपकी जो एज है वो 18 प्लस होनी चाहिए। सेकंड आपके पास से पीसीसी सर्टिफिकेट, पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आपके पास बैचलर डिग्री, और फोर्थ पे आपके पास पासपोर्ट साइज पिक्चर, फिफ्थ पे आ जाएगा जी आपके पास इंग्लिश सर्टिफिकेट होना चाहिए, ताकि आप लोग प्रूव कर सकें कि आप इंग्लिश स्पीकिंग है। बेसिकली ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जी सीसीटीवी लाइसेंस अप्लाई करने के लिए। अगर हम बात करें कि कितने दिनों की ट्रेनिंग हो सकती है, ये नॉर्मली 3 डेज की ट्रेनिंग होती है। इसमें अगर एग्जाम की बात की जाए तो आपके 2 मल्टीपल एग्जाम हो सकते हैं, उसके साथ साथ एक प्रैक्टिकल असेसमेंट भी हो सकती है। अगर हम मॉड्यूल की बात करें तो इसमें 3 मॉड्यूल आपको पढ़ाए जाएंगे। तो फर्स्ट मॉड्यूल है जी वर्किंग इन द प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री, सेकंड है जी प्रैक्टिकल यूज ऑफ सीसीटीवी सिस्टम, एंड थर्ड है जी वर्किंग एज अ सीसीटीवी ऑपरेटर। चलिए ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जी सीसीटीवी लाइसेंस और बाकी सिक्योरिटी जॉब के हवाले से, और अभी चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ कि आप खुद सीसीटीवी लाइसेंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आ चुके हैं लैपटॉप के स्क्रीन पर, यहाँ गूगल पे हम टाइप कर लेते हैं जी ऐसे ही लॉगिन। तो इसमें जो पहला लिंक होगा वही ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है जी, तो यहाँ पे हम लिंक पे क्लिक करते हैं और हम आ जाएंगे जी स्ट्रेट वे ऐसे ही की ऑफिशियल वेबसाइट पे। जब भी आपने किसी वेबसाइट पे कोई भी एप्लीकेशन फिलअप करनी है तो डेफिनेटली आपका अकाउंट होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है तो स्ट्रेट वे आप लॉग इन कर लेंगे, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड पे आपको 2 ऑप्शन मिल रही है, रजिस्टर फॉर पर्सनल अकाउंट और सेकेंड ऑप्शन है जी रजिस्टर फॉर बिजनेस अकाउंट। बिजनेस अकाउंट तब हम यूज करेंगे जब आपके बिहाफ पे कोई आपकी कंपनी वगैरह आपकी एप्लीकेशन फिलअप करना चाह रही है तो वो यूज करेंगे, अदरवाइज आपने पर्सनल अकाउंट पे क्लिक करके ये तमाम इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे पुट करके आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेंगे। मेरा अकाउंट ऑलरेडी है तो चलें जी हाँ मैं अपनी डिटेल पर अपलोड करके लॉगिन करता हूँ। तो लॉगिन करने के बाद हमारे पास ये पेज आ जाएगा जहाँ पे आपको मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। टॉप पे आप देख सकते हैं माई मैसेजेस, माई लाइसेंसेज, माई एप्लीकेशन और ये तमाम टैब वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो मैं डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत इसका ओवरव्यू देता हूँ। ऐसे ही वालों की तरफ से कोई भी आपसे बात करना चाहेंगे तो माई मैसेज में वो आपकी इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम आ जाती है माई लाइसेंसेज में, इसमें आपके जितने भी लाइसेंस वगैरह होंगे चाहिए, वैसे एक लाइसेंस है सीसीटीवी लाइसेंस है। लाइसेंस के वाले से तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस टैब में मिलेगी। माई एप्लीकेशन में आपको एप्लीकेशन के वाले से क्वालिफिकेशन, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन होगी चाहे आपने डोर सुपरवाइजर का कोर्स किया हुआ या फिर सीसीटीवी का, वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। देन यहाँ पे नोटिफाइड है से इस टाइम में आपको बेसिकली वो तमाम इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लाइक आप अपना कोई नाम एरर चेंज करना चाह रहे हैं, एड्रेस पर चेंज करना चाह रहे हैं, किसी भी वाले से कोई चेंजेस आपने करनी है अपनी एप्लीकेशन के दौरान या अपने नेक्स्ट लाइसेंस के लिए, तो आप यहाँ पे इस टैब पे आके ऐसे ही वालों को नोटिफाई कर सकते हैं। देन आपके माई अकाउंट आ जाएगी, लास्ट में हमारे पास हेल्प आ जाएगी, अगर आपको किसी वाले से कोई हेल्प चाहिए तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
तो अभी हम जा रहे हैं जी सीसीटीवी के लिए अपनी एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए। तो यहाँ पे हमें राइट साइड पे टैब मिल जाएगी। जैसे हम स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नई विंडो पॉपअप होकर आ जाएगी, जिसमें आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगी कि आई वॉन्ट टू पे फॉर माई एप्लीकेशन फॉर माई सेल्फ और आई वॉन्ट टू पे माई बिजनेस टू पे फॉर माई एप्लीकेशन। की आप खुद पे करना चाह रहे हैं या आपकी कंपनी आपके बिहाफ पे करने चाह रही है। तो जो पहली ऑप्शन होगी हम इसको सिलेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कि आपने अपना डाइवर्सिटी मॉनिटरिंग फॉर्म है वो फिल करना है। आप पाकिस्तानी है, किस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, आप वो कंट्री चूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये कुछ इन्फॉर्मेशन, आप इसको खुद फिलअप कर लीजिएगा, बहुत इजी है। हम चलते हैं जी एप्लीकेशन की तरफ। तो हम क्लिक करेंगे सेवन स्टार्ट एप्लीकेशन पे और नेक्स्ट देखते हैं कि हमसे क्या कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ जा रही है। तो यहाँ पे आ रहा है कि बिफोर यू अप्लाई, तो ये आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जी एप्लीकेशन फिलअप करने से पहले। तो हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी प्राइवेसी नोटिस, स्क्रॉल डाउन करेंगे और देन हम इस बॉक्स को हम टिक करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। यहाँ मैं एक और आपको बात बताता चलूं कि ये एप्लीकेशन मैं कम्प्लीट नहीं करूंगा, जस्ट तमाम स्टेप्स को हम गो थ्रू करेंगे ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हमें एप्लीकेशन को कैसे फिलअप करनी है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो यहाँ पे मैं चले पर्सनल इन्फॉर्मेशन पुट करता हूं और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन की टैब में आप बॉटम में आएंगे तो यहां से आपसे पूछा जा रहा है कि होम ऑफिस रेफरेंस नंबर। यहां पे काफी ज्यादा दोस्तों क्वेश्चन आते हैं कि इससे मुराद क्या है। बेसिकली ये आपका शेयर कोड होता है। शेयर कोड कैसे जनरेट करते हैं उस हवाले से आपको वीडियो चैनल मिल जाएगी, आप काइंडली वो देख लें तो आपका ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। चलें जी हम सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि हमसे क्या कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ जा रही है। जी नेक्स्ट स्टेप हमसे पूछ जा रहा है जी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं। देन इसमें आप यस या नो पे क्लिक करेंगे। देन पूछ जा रहा है कि आपका जो लाइसेंस है वो कहां से इशू किया गया था, तो आप इंग्लैंड चूज करेंगे। देन उसके अलावा आपने यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर पुट करना है और देन लास्ट में आपसे पूछ जा रहा है कि डू यू हैव अ करंट वैलिड यूके पासपोर्ट। डेफिनेटली नो। नेक्स्ट स्टेप हमसे पूछ जा रहा है कि आपके कोई अदर नेम्स है, कोई आपका निक नेम है तो यहाँ पे आपने वो भी डिक्लेयर करना है। लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है जैक फॉर जॉन, अगर आपका कोई निक नेम है वो आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी है। देन आपने सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। जी नेक्स्ट स्टेप आ जाती है एड्रेस हिस्ट्री। यहाँ पे आपने 5 साल की अपनी हिस्ट्री यहाँ प्रोवाइड करनी है। लेट्स सपोज अगर आपको यूके में आए 2 साल हुए हैं और इसमें आपने करना क्या होगा कि आप 2 साल का आप यूके का प्रोवाइड करेंगे और बाकी जो 3 साल का होगा वो आप अपनी होम कंट्री का यहाँ पे एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलें जी मैं अपने दोनों एड्रेसेस यहाँ पे एंटर करता हूँ, देन सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। जी नेक्स्ट स्टेप है जी टाइप ऑफ लाइसेंस, कि आप कौन सा लाइसेंस अप्लाई करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं आपको दो ऑप्शन आपको मिल जाएंगी, फ्रंट लाइन और नॉन फ्रंट लाइन। आपने इसमें से कौन सा चूज करना होगा। अगर आप यहाँ पे ऊपर देखेंगे जो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि सिलेक्ट फ्रंट लाइन इफ यू वांट टू वर्क एज अ सिक्योरिटी गार्ड, डोर सुपरवाइजर, क्लोज प्रोटेक्शन ऑपरेटिव और सीसीटीवी। अगर आपने इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की हुई है तो आपने चूज करना है जी फ्रंट लाइन। अगर यहाँ पे आपने बाय मिस्टेक नॉन फ्रंट लाइन चूज किया और अपनी एप्लीकेशन को फिलअप करके फीस पे कर दी तो आपकी जो फीस होगी वो रिफंड नहीं होगी। आपने यहाँ पे बहुत ही केयरफुली ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है कि आप कौन सा लाइसेंस अप्लाई करना चाह रहे हैं। यहाँ पे हम सीसीटीवी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सीसीटीवी के लिए यहाँ पे लिखा हुआ कि आप फ्रंट लाइन चूज करेंगे। जब इसको हम स्क्रोल डाउन करेंगे तो हमारे सामने मजीद कुछ ऑप्शन आ जाएंगी कि आप इसमें से किस सेक्टर में काम करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम सीसीटीवी के लिए हैं तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है सीसीटीवी वाली हम ये वाली सेलेक्ट करेंगे और देन सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। थर्ड लास्ट ऑप्शन आ जाती है जी क्रिमिनलिटी इन्फॉर्मेशन के। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास से पुलिस कैटर सर्टिफिकेट होना चाहिए अपनी होम कंट्री से। अगर आप ये लाना भूल गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ लंदन में आने के बाद लोकल एम्बेसी होगी, आप वहां से अपॉइंटमेंट लेके अपना जो कैटर सर्टिफिकेट है वो बनवा सकते हैं। अगर आप अपनी होम कंट्री से बनवा के ला रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि वो फॉरन ऑफिस से अटेस्टेड हो, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, आप इन तमाम ऑप्शन को केयरफुल रीड करनी है, मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर है वो नो में ही आएंगे। ये तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट करने के बाद हम नेक्स्ट सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट हमसे क्या इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है जी। सेकंड लास्ट ऑप्शन आ जाती है हमारे पास जी मेंटल हेल्थ, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जी। अगर आप फिजिकली मेंटली फिट होंगे तो देन ही आप ये जॉब कर सकेंगे, तो आप इस चीज को देख लीजिएगा। यहाँ से आप पूछा जा रहा है कि लास्ट 5 ईयर्स में आपको किसी से कोई प्रॉब्लम हुई हो या आपको डिटेन किया गया हो तो आप इसमें यस नो कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पे मैं नो करूंगा और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं जी। लास्ट टाइम में हमारे पास आ जाती है डिक्लेरेशन के आपने जितनी भी इन्फॉर्मेशन इस एप्लीकेशन के दौरान प्रोवाइड किया वो सब ठीक है। जब हम इस एग्री वाले चेकबॉक्स को क्लिक करेंगे देन आपकी जो एप्लीकेशन है वो कम्प्लीट हो जाएगी। तो मैं इस एप्लीकेशन कम्प्लीट नहीं कर रहा, तो इस वीडियो को बनाने का मकसद आप लोगों को दिखाना था कि आप सीसीटीवी एप्लीकेशन खुद कैसे फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आप
आप सीसीटीवी लाइसेंस खुद कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।